का डोरमेट। मेरी वीडियो पसंद आए तो और लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ डिजाइन का डोरमेट। उसके लिए देखें किस तरह से हम फिंदे डालेंगे। आप चाहें तो मैक्रम से बनाएं या फटी पुरानी साड़ियों से बना सकती हैं। तो इसमें मैं 14 फिंदे डालूंगी। ये देखें 14 फिंदे मैंने डाल लिए। ये देखें इस तरह से मैं 2 फिंदे बिनूंगी। तो सिलाई को यहीं से पलट लूंगी। इस वाले फिंदे को सीधा बिनना है। अब देखें हम ये वाला कलर लगाएंगे। नीचे की साइड से 1 फिंदे को बिन लूंगी। इस तरह से उस सिलाई को पलटते हुए एक और हम नीचे से बिन लूंगी। इस तरह से वो सिलाई को पलटते जाएंगे। एक एक फिंदे को हम बिनेंगे नीचे की साइड से। अब ये नीचे वाले जो फिंदे हैं इसमें से एक एक बिनते जाएंगे। तो ये चार चार सिलाई निकालूंगी। इसको देखें इस तरह से एक नीचे से फिर से बिन लिया, उस सिलाई को पलट लिया। ये देखें 2 सिलाई निकाल ली। 2 और इसी तरह से निकालेंगे। ये देख इस तरह से उस सिलाई को पलटते जाएंगे। ये बहुत सरल तरीके से बता रही हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है ये। ये देखें अब ये ब्लू कलर लगा लेंगे। नीचे की साइड से एक फिंदे फिर से इसी तरह से हमें ये नीचे तक बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। हमने नीचे तक बनाना है। अब देखें अभी हम ऊपर से नीचे की साइड जा रहे थे, अब नीचे की साइड से ऊपर की साइड आएंगे। ये देखें यहाँ पे हमें 2 फिंदे छोड़ने पड़े। सिलाई को पलट लिया। निकालेंगे मैं चच्चा सलाई और अब एक फिंदे को हम ब्लू वाले को छोड़ देंगे। ये देखें छोड़ दिया, सलाई को पलट लिया। हमने 14 फिंदे इसलिए डाले हैं, यहाँ पे हमें जिस कलर से हम फिंदे डालेंगे वो कलर यहाँ पे नीचे की साइड पे आना चाहिए। जैसे ये 26 फिंदे में बनेंगे
और ये 30 फिंदे में बन जाएंगे और 34 फिंदे में बन जाएंगे। जैसे आप हमने ये 14 फिंदे में डाले हैं, 16 फिंदे में बनाएंगे तो नहीं बनेंगे, तो 26 फिंदे में बनेंगे और 30 फिंदे में बनेंगे, 34 फिंदे में बनेंगे। इसी तरह से आप बड़ा बनाएंगी तो इसी तरह से बनाएंगे, इसी तरह से आप फिंदे डालें तभी आपका बड़ा बन जाएगा। ये देखें, अब ये वाला मैं कलर लगा लूंगी। अब हमें ऊपर तक एक एक फिंदे को छोड़ना है बगैर बुना हुआ। ये देखें, ये ब्लू के दो फिंदे छूट चुके हैं, इसी तरह से ये पिंक के हम दो फिंदे छोड़ेंगे एक एक करते हुए और चार सिलाई निकालेंगे। इसी तरह से मैं ऊपर तक आ जाती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। ये कली मेरी बन चुकी है, यहाँ पे दो फिंदे बचे हुए हैं, बाकी फिंदे हमने और यहाँ पे दो हैं, बाकी फिंदे एक एक करते हुए मैंने बना लिए। अब देखें, सारे फिंदे पिंक हो जाएंगे। सारे फिंदे पिंक इधर से मैं उतार दूंगी, दो का एक करते हुए। ये कली मैंने बना ली है, इसी तरह से हमें चार कलियां बनानी है। ये इसका शेप इस तरह से आएगा। ये देखो मैंने बना लिया है, ये मैंने 26 फिंदे में बनाया है और ये देखें इस तरह से हम जोड़ेंगे इसको। इस तरह से ये जुड़ जाएंगे, ये देखें इस तरह से हम उल्टा कर लेंगे इसको और ये वाला कोना इस तरह से हम सिलाई करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं सिल लेती हूँ, फिर देखते हैं। सिल लिया है तो ये हाफ सिल के तैयार हो गया है। अब इधर से देखें, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें उल्टा कर लिया। इसी तरह से मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।